हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मीनू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये चोली और घेरा पहले ही बना लिए हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। देखिए फ्रेंड्स, हम यही से 3 चैन ले लेंगे, 2 और 3। इसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके साथ ही साथ वाली चैन में नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम करते हुए 9 डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, 3 4 5 6 7 8 9। 9 के ऊपर हम 8 चैन ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे घेरे में 78 डबल क्रोशिया थे, हम 81 चाहिए। इसी करके मैंने 3 जगह 8 8 पर 8 चैने बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 चैन बना ली हैं और 8 चैन के बाद इसी वाली चैन में जहां हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी चैन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे पास वी शेप का अनुप तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम 9 बारी डबल क्रोशिया करते हुए 8 चैन बना लेंगे और वैसे ही 8 चैन के एक अनुप तैयार कर लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घेरे में 9 अनुप तैयार होंगे। ये देखिए, अब मैं अपना घेरा पूरा कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये राउंड पूरा कर लिया है। अब 3rd चैन में हम इसको सिम स्टिच कर देंगे, 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम यहीं से ही, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह लूप तैयार हो गए हैं। 3 जगह मैंने 8 8 पर बनाए हैं। यहीं से हम 3 चैन और ले लेंगे। ये देखिए, अब हर चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 2 बार हो गया। एक तो हमने 3 चैन ली थी वो हो गया, एक दूसरा। अब इसी तरह नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह हम अपना नेक्स्ट में फिर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसमें हमने नए तो कोई चैन स्किप करनी है ना ही चैन लेनी है। हर चैन में हम डबल क्रोशिया करते हुए अपने लूप तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी चैन ही कवर कर ली है। इसके बाद देखिए, जो हमारे लूप है इसमें हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें ना ही तो हमने कोई चैन लेनी है, सीधा ही 10 बार लगातार 10 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप 10 की 11 भी कर सकते हो। देखिए, मैंने 10 की हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बारी डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया, इससे हम 2 2 बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ किए, फिर मैंने फूल बनाया। अब यहाँ पे भी जैसे पीछे किए थे वैसे ही करते जाएंगे, 2 2 का डबल क्रोशिया, और ये फूल में 10 करेंगे। इस तरह हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब हम 3rd चैन में, 3rd चैन में इसे सिम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और देखिए ये हमारे फूल बन गए हैं।
ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इस तरह का ड्रेस तैयार होगी। इसके बाद हम जैसे हम धागा अब दूसरा धागा ऐड करेंगे, इसलिए हम एक सम्मी स्टिच और करेंगे और एक जंजीर लेकर इस धागे को काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब वाइट धागा जोड़ेंगे। देखिए मैंने वाइट धागा जोड़ लिया है और मैंने तीन चैन ले लिए है। तीन चैन लेने के बाद इसी के साथ एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हम दो स्किप करेंगे। नेक दो स्किप करने के बाद दूसरी चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे नीचे तो हमने हर चैन में दो दो बार किए थे, इसमें हम दो दो स्किप करते जाएंगे और हर एक चैन में दो दो बार करेंगे। ये देखिए इस तरह हम अपने ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दो किए, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दो किए, दो छोड़ दिए, दो किए, दो कर, इस तरह हम अपने फूल तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हमारे डबल क्रोशिया आ गए हैं। ये देखिए इसके बाद जो हम फूल करेंगे, फूल की फर्स्ट चैन में हमने डबल क्रोशिया करना है, एक बार और दो बार। ये देखिए सेकंड चैन में भी हम दो बार ही डबल क्रोशिया करेंगे। फूल में कोई भी चैन नहीं छोड़नी फ्रेंड्स, हर चैन में हम दो दो डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने फूल में कोई भी चैन नहीं छोड़ी, हर एक में दो दो डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरह हम अपना फूल कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए हमारा फूल कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए मैंने फूल कंप्लीट कर लिया है। फूल के ऊपर हमारे 10 डबल क्रोशिए आएंगे और 10 के बाद हम, ये देखिए इतना हमारा फूल तैयार हो गया है। इसके बाद हम दो बारी और डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चैन में दो दो बार करना है फ्रेंड्स। दो छोड़ेंगे, दो बार फिर डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। थर्ड चैन में हम एक बार ही डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, थर्ड चैन में सिर्फ हम एक बार ही करेंगे, एक दो तीन। यहाँ फूल कंप्लीट होते हैं और इसको धागा को लंबा करेंगे और जहाँ ये फूल बंद होता है, फूल होता है, वहाँ पे हम थर्ड में भी और फोर्थ के बीच में जो हमारा स्केप स्पेस है उसमें हम अपना क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में, और इधर से हमने थर्ड सिंगल बनाना है। ये देखिए धागा को लंबा करके रखना है और इधर से एक दो और तीन, तीन के बीच में, देखिए तीन और चार के बीच में हमने क्रोशिया डाला और धागे को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमने कोई जंजीर नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, सीधा ही ऐसे बाहर निकालना है और धागा लेना है और नीचे की तरफ जहाँ हमने एक क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाया था उसी जगह पर दो बड़ी डबल क्रोशिया बना दूसरा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये हमारे फूल बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दोबारा सिखाती हूँ ये फूल। ये देखिए अब हम दो छोड़कर दो बारी डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चैन में फ्रेंड्स हमने दो बारी डबल क्रोशिया करना है और दो बारी, और अब दो छोड़ेंगे
नेक्स्ट में फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह हम अपने फूल तक पहुंच जाएंगे। फूल में फ्रेंड्स पहले की तरह हर चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया करना है, हमने एक भी स्किप नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स मैंने फूल कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद वैसे ही हमने दो बार ही डबल क्रोशिया करने हैं, दो स्किप करने हैं, दो बनाने हैं, दो स्किप करने हैं। इस तरह हम दो बारी करके थर्ड में हम सिंगल बारी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड थर्ड में हम केवल सिंगल ही करेंगे। ये देखिए एक दो तीन, तीन और चार के बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे और उधर से धागा बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए और धागा लेंगे और इसका डबल क्रोशिया कर देंगे। उसी चैन में जहाँ हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है उसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये देखिए थर्ड चैन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, धागा को लंबा रखना है और उधर से जो हमारा फूल कंप्लीट होता है उसके बाद एक दो और तीन, तीन और चार के बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और धागा को बाहर निकाल लेंगे। हमने इसमें ना कोई जंजीर लेनी है ना ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिर्फ सीधा ही इसका डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड दो दो का एक, ये हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में फिर दो स्किप करेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया दो बारी डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। इस तरह फ्रेंड हम अपना ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे ये दो फूल बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह हमारे इस तीन नंबर की चोली में नौ फूल तैयार होंगे। ये देखिए लास्ट में मैं पहुंच गई हूँ, लास्ट वाली चैन में तीसरे नंबर पर पहुंचकर इसको सेमी स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका हम यहीं से ही फूल बनाएंगे। देखिए इसको धागे को लंबा कर दिया, ये देखिए फूल से ही, और इधर से हम तीसरे मिलेंगे, इधर से हम तीसरे मिलेंगे और इसको धागे को खींच लेंगे बाहर और वैसे ही धागा लेंगे और इसको सिम स्टिच कर देंगे। एक बारी और कर लेंगे फ्रेंड, ये देखिए। और इसमें हमने कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाना। देखिए हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, मैंने चोली की किनारी भी बना ली है। फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में मैं दोबारा आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू, राधे राधे।